वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सारणी के प्रारंभिक गुणधर्म से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में और समझाने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो आज मैं दो रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, पंक्ति मतलब होता है रो, या स्तंभ का, स्तंभ मतलब होता है कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। कहने का मतलब है, अगर किसी सारणी में पंक्ति या स्तंभ में से सारे अवयव उसके शून्य हैं, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे कि 2 5 4 0 0 0 2 4 -2, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 2 5 4 0 0 0 2 4 -2, तब भी इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो कहने का मतलब है, रूल्स के हिसाब से कंडीशन पे ध्यान देना होता है। अगर रूल्स को आपको समझ में आ जाएगा, तो इस सारणिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, वो भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में, तो पंक्ति को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति को मतलब होता है, पंक्ति को रो, और कॉलम, और स्तंभ को कहते हैं कॉलम। तो स्तंभ को कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, पंक्ति, इसके इस सेकंड वाली पंक्ति में सारे अवयव जीरो हैं, तो इस सारणी का मान जीरो होगा। और इस डिटर्मिनेंट्स में, इस सारणिक में, सेकंड वाले स्तंभ में सारे अवयव इसके भी जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। तो बस कंडीशन को फॉलो करना है और क्वेश्चन बड़ी आसानी से इजी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, यदि किसी सारणिक का पंक्तियों का स्तंभ में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए, विनिमय मतलब होता है आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि A1 और A2 और B1 B2, तो पहले वाले पॉइंट में इसके A1 B1 A2 B2 इस तरीके से दिया होगा, और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है, इस तरीके से A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 इस तरीके से आया। अगर हम इसको उठा के A1 A2 को, यानी कि A1 A2 जो है वर्टिकल फॉर्म को, इसके वर्टिकल रूप को हॉरिजॉन्टल शेप में दे दिया जाए, A1 और A2 को हम हॉरिजॉन्टल रूप में ला दें, और B1 और B2 को भी हम हॉरिजॉन्टल रूप में ला दें, तब भी इसकी वैल्यू वही आएगी। जब इसके सारणिक में जिसमें कॉलम तीन हो और इस कॉलम तीन हो और रो भी तीन हो, तब इस कंडीशन में देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इसको उठा के, यानी कि जो चीज़ आपके कॉलम में है उसको आपको रो में कर दो, तो जब रो में कर दोगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी वो दोनों की सेम होगी। अगर आपस में एक दूसरे के कॉलम और रो को आपस में बदल देंगे, तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो A1, A2, A3 ये जो इसका टर्म्स, ये जो इसके अवयव हैं, ये आपका कॉलम में है, कॉलम C1 में है। इस कॉलम C1 को उठा के हम रो R1 में कर दें, और कॉलम C2 को उठा के हम R2 में कर दें, और कॉलम C3 को उठा के हम R3 में कन्वर्ट कर दें, तो इस तरीके से इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के रूल्स में हमने ये सीखा कि अगर किसी पंक्ति में या स्तंभ में उसके सारे अवयव अगर जीरो हैं, तो उस सारणी का जो मान होगा, उस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी, वो जीरो होगी। दूसरा, अगर हम उस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, आपस में एक्सचेंज कर दें,
तो इस तरीके से उसके मान में, उसके मान की सारणी की जो वैल्यू होगी, सारणी की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सारणी को हम कोई भी सारणी होगा, सारणी को ज्यादातर हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सारणी है तो सारणी को हम डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कभी कभी हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा। तो बाकी के जो रूल्स हैं वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।